देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की भोपा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रताल शहर के खादर में बिहारगढ़ गांव के जंगल में दो जगह छापेमारी कर कच्ची शराब निकालते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने दो भट्टियां, 82 लीटर कच्ची शराब और 450 लीटर लहन भी बरामद किया है। शराब और लहन को पुलिस ने नष्ट कर दिया और कच्ची शराब बनाने के उपकरणों को जब्त कर चारों आरोपियों समय सिंह, अमर सिंह, प्रदीप सिंह और अजीत सिंह को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कच्ची शराब का जहरीला धंधा इस खादर क्षेत्र में लंबे समय से चलता आ रहा है। समय समय पर सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन यह धंधा बदस्तूर चलता रहता है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संवाददाता दीपक वत्स की रिपोर्ट। थाना प्रभारी भोपा FFI लेखराज सिंह को सूचना मिली कि बिहारगढ़ के जंगल में कुछ लोग अवैध शराब का निष्कर्षण कर रहे हैं। इस सूचना पर अपनी टीम के साथ गए वहां पर, तो वहां पर इनको मिले, दो लोग मिले और उनके पास से काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब मिली, लहन मिली, उपकरण मिले, तो उनके संबंध में FIR कायम की, दाखिल किया गया। इसी बीच एक और सूचना उनको मिली, पहली बरामदगी लगभग 8 बजे के आसपास से, उसके बाद पुनः उनको सूचना मिली कि कुछ जंगल के ही क्षेत्र में अभी और काम कुछ लोग कर रहे हैं। उस पर वो गए करीब 1:30 बजे के आसपास जो है, तो उसमें भी उनको जो है दो अभियुक्त मिले। इसका कुल 4 अभियुक्त हैं, समय सिंह, अमर सिंह, प्रदीप सिंह, अजीत सिंह, 4 लोग हैं और दोनों मुकदमे मिला के 80 लीटर शराब है, 5 लीटर लहन है, शराब बनाने के कई उपकरण मिले हुए हैं। इन सब के विरुद्ध FIZ की सुसंगत धारा के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।